हेलो दोस्तों, तो स्वागत है तुम लोगों का एक और नए वीडियो में। एंड आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि तुम्हारे फेवरेट गेमर्स के पास कौन सी कार्स हैं, और इससे हम लोग जज करेंगे कि वो कितने अमीर हैं। लाइक मेरे को लगता है ये वीडियोस होती इसीलिए है, नहीं तो तुम लोगों को जानना भी क्यों है कि मेरे पास कौन सी गाड़ी है। मैं नहीं बताऊंगा मेरे पास बुगाटी है, मैं क्यों बताऊं तुम्हें, और फिर मैं दिखाऊं भी क्यों तुम्हें। है मेरे पास बुगाटी तो है, क्या शो ऑफ करूं इसका मैं। अब मेरी गाड़ी देखो, ये ऐसे करके पीछे करो तो आगे जाती है। हां भाई, ओए 1000 की ली है, पीछे से आगे भी नहीं जा रही, रुकना। ये देखो, ओ गई, देखी तुम्हें, एक बार दिखाता हूं। ये देखो हो गया गाइस। भाई एक्सीडेंट में इसकी डिग्गी खुल गई, तुम देखो। देखो ये सारी बातें तो होती रही, बट क्या तुम्हें पता है कि अज्जू भाई के पास कौन सी गाड़ी है, उज्जवल भाई के पास कौन सी गाड़ी है? नहीं पता ना तुम्हें। मैं क्यों हूँ इधर, मैं तुम्हें बताऊंगा। वैसे देखो मैं भी नहीं, हम लोग एक वीडियो देखने वाले हैं, 50 फेमस इंडियन गेमर्स कार्स। भाई अज्जू भाई ये थंबनेल पे, एंड देखो गाड़ी, उफ भाई मैं पागल हो जाऊंगा अज्जू भाई के पास अगर ये गाड़ी होगी तो। मेरे को लग रहा है अज्जू भाई खुद पागल हो जाएंगे अगर इनके पास ये गाड़ी होगी तो। नहीं, अज्जू भाई के पास बहुत पैसा है यार, वो खरीद सकते हैं, वो बस खरीदते नहीं है क्योंकि उन्हें मुझे गिफ्ट करना है। अज्जू भाई प्लीज, आपको मेरा एड्रेस तो पता ही है, कभी भी जब आपका मन करे मैं आ जाता हूँ आपके घर पे गिफ्ट लेने। ओके चलो वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ओके 50 गेमर्स और 50 कार, इंडिया के टॉप 50 गेमर्स की कारों के बारे में आपको आज पता चल जाएगा। गेमर्स की 11 लाख की कार से लेकर 8 करोड़ की कार तक बात होगी, और जो नंबर 1 पर है उस गेमर के पास रोल्स रॉयस है। रोल्स रॉयस, व्हाट, हमारे इंडिया में गेमर्स के पास रोल्स रॉयस है? आर यू सीरियस भाई। नंबर 50 पर है मॉडल के पास टाटा आर्या है, जिसकी कीमत है 11 लाख रुपए। लगता है मॉडल को कारों का इतना शौक नहीं है। वैसे 10 लाख भाई मॉडल भाई बस पैसे हैं, मैंने देखे हैं भाई। वैसे 10 लाख की हार्ले डेविडसन आयरन 883 बाइक भी है इनके पास। बीस्ट बॉय शुभ, बीस्ट बॉय शुभ के 6 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके पास मारुति ब्रेजा है जिसकी कीमत है 13 लाख रुपए। ब्रेजा मारुति की सबसे ज्यादा सेलिंग होने वाली कार में से। देखो दिक्कत ये, इन लोगों को आई गेस कार्स का शौक नहीं है, नहीं तो भाई ये लोग खरीद सकते हैं महंगी महंगी गाड़ियां। रचित यादव, रचित यादव के पास XUV300 है जिसकी कीमत है 15 लाख रुपए। XUV300 5 सीटर कॉम्पैक्ट SUV है, और रचित भाई कभी कभी गेम खेलते हैं। भाई देखो मजाक नहीं करो, जब मैं गाड़ियां देख रहा था मेरे को भी गाड़ी लेनी, लाइक अपनी फैमिली के लिए, लाइक आते जाते हैं कहीं, इससे पहले मेरे घर पे गाड़ी नहीं थी एक भी, लाइक हमारे खानदान में गाड़ी नहीं थी भाई इससे पहले, तो हाँ तब मैं भी XUV300 कंसिडर कर रहा था, क्योंकि एक तो देखो महिंद्रा इंडिया की गाड़ी है और ऊपर से अच्छी भी है भाई। GW मनीष, ये एक फ्री फायर गेमर है जिनके पास टाटा नेक्सॉन है जिसकी कीमत है 15 लाख रुपए। टाटा नेक्सॉन EV भी आ गई है जिसकी डिमांड, अच्छी गाड़ी है भाई नो डाउट, अभी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। केतन पटेल K18, ये BGMI PUBG प्लेयर है जिनके पास टाटा नेक्सॉन है जिसकी कीमत है 15 लाख रुपए। इनके पास इलेक्ट्रिक वाली है, आई नो। मैंने केतन भाई की ब्लॉग देखे हुए हैं, इंडिया की सेफेस्ट कार में से एक है। और केतन भाई गेमिंग के साथ व्लॉगिंग भी करते हैं। भाई नेक्सॉन 5-स्टार रेटिंग के साथ आती है, अगर तुम्हें फैमिली कार चाहिए नेक्सॉन इज बेस्ट। IS 13-14 लाख की आती है। नंबर 45 पे गॉड प्रवीण YT, गॉड प्रवीण YT एक BGMI PUBG प्लेयर है जिनके पास महिंद्रा थार है। थार की कीमत 17 लाख रुपए। थार इंडिया की सबसे फेमस SUV में से एक है। नाइस, बट देखो इनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता। मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि यार इसको मैं नहीं जानता, बट मैं नहीं देखता ना यार, बट ऑब्वियसली ये लोग फेमस तो होंगे। पायल गेमिंग ने भी महिंद्रा थार खरीद ली है जो कि 17 लाख रुपए की है, और टाटा हैरियर भी है इनके पास जिसकी कीमत है 24 लाख रुपए। बट मेरे को लगता है यार अभी थार तो सब ले रहे हैं यार, थार हर यूट्यूबर के पास है ऑलमोस्ट। भाई प्लीज अब थार मत लो यार, थार मैं अब जब देखता हूँ मेरा मूड ऑफ हो जाता है। मेरा पीछे प्लान बना था, लेकिन जब मैं लोगों के विचार सुने थार पे, भाई लोग कह रहे छपरी चलाते हैं, भाई मैंने कहा मैं नहीं लेनी। यस स्मार्टी पाया, हितेश कैंगडा नाम है इनका, ये अधिकतर माइनक्राफ्ट खेलते हैं, जिनके पास भी महिंद्रा था जिसकी प्राइस आप जान ही चुके हो 17 लाख रुपए। या थार आती है 17 लाख की गाइस, हमारी 2 किडनियां भी काफी नहीं है थार को खरीदने के लिए, क्योंकि उससे बस 2 iPhone आ सकते हैं। पर स्मार्टी भाई की गाड़ी की मुझे एक चीज बेस्ट लगती है, उनके टायर भाई। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो ये स्मार्टी भाई की गाड़ी है, एंड टायर देखो तुम, ये यहाँ से शायद तुम्हें इतना सही ना लग रहा हो, मेरे को अभी भी लग रहा है, थोड़ा और पास से होता तो भाई क्या सेक्सी लगता है ये। सोल सिद्ध, ओके सिद्ध BGMI के प्रो प्लेयर है जिन्होंने MG Aster खरीदी है जिसकी प्राइस है 18 लाख रुपए। ये तो कुछ भी नहीं, आगे करोड़ों की कारें आने वाली है। वेटिंग भाई, करोड़ों ही कारों का ही वेट कर रहा हूँ मैं। खतरनाक ईशान, ये माइनक्राफ्ट और फोर्ज़ा होराइज़न खेलते हैं। ईशान भाई का जीप कंपास है जिसकी प्राइस रेंज 15 से 20 लाख रुपए है।
एक जमाने में जीप कंपास की काफी डिमांड थी। भाई जीप कंपास आई गेस महंगी आती है, 20 लाख की नहीं आती है, क्योंकि जब मैं अपने लिए गाड़ी देख रहा था मैं जीप कंपास भी देखी थी, महंगी थी। नंबर 40 पर है अंतर्यामी गेमिंग। अंतर्यामी गेमिंग ये पबजी खेलते हैं, जिनके 4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, जिनके पास भी जीप कंपास है जिसकी प्राइस है 20 लाख रुपए। टू साइड गेमर रितिक, रितिक के पास MG हेक्टर है जिसकी प्राइस है 22 लाख रुपए। 22 लाख में आप हेक्टर लाना चाहोगे या क्रेटा? भाई 22 लाख में मैं लाना चाहूंगा फॉर्चूनर और बाकी EMI करवा लूंगा क्रेटा। टू साइड गेमर जैश के पास होंडाई क्रेटा है जिसकी प्राइस है 22 लाख रुपए। क्रेटा का न्यू फेस लिफ्ट भी आ गया है, दिखने में काफी दमदार है। बिंदास काव्या, बिंदास काव्या व्हाट? अबे बिंदास काव्या अभी तक है यूट्यूब पे? सीरियसली? ओके। काव्या इन दिनों शायद गेम नहीं खेलती है बल्कि व्लॉगिंग करते हुए देखा गया है। काव्या के पास 22 लाख व्लॉगिंग करते हुए देखा गया है, क्या मतलब है? ये तो पकड़ लिया किसी ने, ऑटो ऑन कैमरा। व्लॉगिंग करती होगी तो भाई करती होगी, देखा गया है व्लॉगिंग करते हुए देखा गया इसके पास। काव्या के पास 22 लाख रुपए की MG एक्टर है। MG एक्टर भी अभी काफी सारे लोग खरीद रहे हैं, आई गेस रोनी भाई के पास भी MG एक्टर ही है, आई गेस मेरे को कंफर्म है भाई। नंबर 35 पर है 8-bit मांबा। मांबा के पास भी MG हेक्टर है और इनका शू कलेक्शन भी काफी अच्छा है, जिसमें हजारों से लेकर लाखों की कीमत तक के शूज है इनके पास। आई पर मैं तो गाड़ियां देखने आया हूँ, शूज की बात मत करो मेरे सामने, बट देख रहे हो सारे लोग MG एक्टर ले रहे हैं। लॉस गेमिंग, लॉस गेमिंग BGMI पबजी खेलते हैं जो की गोड लाइक में है। इनके पास 22 लाख रुपए की होंडाई क्रेटा है। क्रेटा के माइलेज के बारे में बात करें तो वो है 15 से 18 किलोमीटर। क्रेटा आती कितनी की एग्जैक्टर को मेरे को देखना, तो मैंने एग्जैक्ट नहीं देखा। जो क्रेटा का टॉप मॉडल आता है 23 लाख। 23 लाख भाई इतने पैसे होते हैं। अनग्रेजुएट गेमर, ये फेमस फ्री फायर गेमर है जिनके पास टाटा हैरियर है जिसकी कीमत है 24 लाख रुपए। हैरियर के अलावा महिंद्रा थार भी है इनके पास। केस टू पबजी और GTA 5 खेलते हैं। केस टू को मैंने एक टाइम पे बहुत ज्यादा देखा, जब पबजी का टाइम चल रहा था ना, उस टाइम पे यूट्यूबर भी नहीं था मैं। इनके पास भी 24 लाख रुपए की टाटा हैरियर है, बैज 99 के 10 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये फ्री फायर खेलते हैं, इनके पास एक टाटा हैरियर है और दूसरी महिंद्रा थार। ओ वेट, ये शायद बताना भूल गया बंदा, बट बैज के पास 2 थार हैं। आई फील मैंने इनकी शायद फेस रिवील वाली वीडियो देखी थी, वहाँ पे शायद मैंने देखा था। ले सोचो 2-2 थार भाई, डबल छपरीनेस। सॉरी मजाक कर रहा हूँ यार, मेरी सारी बातें जोक होती है, प्लीज सीरियस मत लिया। नंबर 30 पर है ओमेगा। ओमेगा पबजी के प्रो प्लेयर है जिनके पास स्कॉर्पियो एन है जिसकी प्राइस है 25 लाख रुपए। स्कॉर्पियो एन लक्ष्य चौधरी ने भी खरीद लिए। स्कॉर्पियो एन भी अच्छी गाड़ी है भाई, ऐसा ऊंची होती है ना तो दबदबा बनता है रोड पे। श्रीमान लीजेंड को कौन नहीं जानता, इनके पास टाटा सफारी है जिसकी कीमत है 26 लाख रुपए। न्यू सफारी का फेस लिफ्ट भी काफी फ्यूचरिस्टिक देखने को मिल। सफारी भी अच्छी है भाई, सफारी आई गेस मिथपेट भाई के पास भी है, और मैं ऐसे क्यों बता दे रहा हूँ तुम लोग, वो बंदा क्या बताएगा। मिथपेट इंडिया के फेमस गेमर है जिनके पास 26 लाख रुपए की टाटा सफारी है, जिन्होंने तो GTA 5 में भी सफारी चलाई है और उर्मिला को रियल लाइफ में सफारी चलाने से पहले GTA 5 में चलानी सिखाई। ओ भाई देख रहे हो, मिथपेट भाई डबल प्रोटेक्शन, पहले गेम में चलाना सीखो फिर रियल लाइफ में चलाना। अल्ट्रॉन गेमिंग, अल्ट्रॉन को आपने स्काउट मावी के साथ कई बार खेलते हुए देखा होगा, जिनके पास महिंद्रा XUV700 है जिसकी प्राइस 27 लाख रुपए है। अदिटेक फेमस फ्री फायर गेमर है जो काफी छोटे हैं अभी, और इन भाई साहब ने 27 लाख रुपए के XUV700 खरीदी है, साथ ही साथ मर्सिडीज भी है इनके पास। नंबर 25 पर है अरुण मशेट्टी। अचानक भयानक गेमिंग के नाम से है इनका चैनल। इनके पास ओल्ड टोयोटा फॉर्चुनर है जिसकी कीमत है 35 लाख रुपए। बिग बॉस 17 में काफी अच्छा खेला इन्होंने। क्या भाई मैंने देखा था बिग बॉस में, फॉर्च्यूनर बेस्ट गाड़ी यार, बट शायद इनके पास ये पुराना वाला मॉडल है, नहीं ये वाला नहीं मेरे को इतना अच्छा लगा, ये ज्यादा ही पुराना है। लाइक लेजेंडर के अभी वाला जो है ना नॉर्मल फॉर्च्यूनर वो वाला सेक्सी लगता है, नहीं तो लेजेंडर भी थोड़ी सी मेरे को ज्यादा मॉडर्न सी लगती है, मेरे को थोड़ा दबदबा चाहिए भाई। कैरी मिनाटी, कैरी मिनाटी के पास भी ओल्ड टोयोटा फॉर्च्यूनर है जो 35 लाख रुपए की है। सही में? नहीं यार, आई गेस कैरी भाई ने रिवील नहीं किया है, कुछ तो होगा अलग, मैं बता रहा हूँ। असासिन गेमिंग, ये फ्री फायर और फोर्जा होराइजन 5 खेलते हैं, जिनके पास BMW X1 है जिसकी प्राइस है 52 लाख रुपए। भाई मैं बता रहा हूँ फ्री फायर वाले छाप रहे हैं पैसे, तो दे रहे BMW। 8-bit गोल्डी भाई के पास मर्सिडीज C220D है जिसकी कीमत है 57 लाख रुपए। C220D से ऊपर E क्लास आती है
और उससे ऊपर एस क्लास आती है, और 57 लाख से ज्यादा तो इनका शू कलेक्शन होगा। भाई ये गाड़ियाँ देख रहे हो तुम। देख तुम लोग बताओ, तुम लोगों को लग्जरी गाड़ियाँ BMW, मर्सिडीज या ऑडी कौन सी अच्छी लगती है? मेरे को मर्सिडीज। चपाटी हिंदुस्तानी गेमर, इनके पास मर्सिडीज GLB है जिसकी प्राइस है 63 लाख रुपीज। इस कार को मिनी GLS भी कह सकते हो, जिसका पब्लिक अटेंशन काफी सही देखने को मिल जाएगा आपको। आई नाइस सुपाती भाई, अपने गाड़ी खरीद ली और घुमाया भी नहीं गाड़ी में, और ये 63 लाख की है भाई। मैं नहीं मान सकता भाई, इतने पैसे होते भी हैं। तो भाई चपाती भाई से सीधे ही बात करना पड़ेगा। तो मैंने चपाती भाई को मैसेज कर दिया है। मैंने पता नहीं चपाती भाई का नाम रोटी नाम से सेव किया हुआ है। वो टाइपिंग आ गया, रिप्लाई भी आ गया। सर क्यों लेके आए मेरे को? मैं तो छोटा हूँ भाई। आपकी मर्सिडीज GLB मैं राइड चाहिए। एक काम करता हूँ, चपाती भाई कॉल करता हूँ। देखो मैं लिख दिया है। अबे दिखता क्यों नहीं है? वो लिख दिया मैंने, देखते हैं। चपाती भाई के यहाँ शायद सुबह हो रही है। हाँ लिख दिया। ओके 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 मैं कॉल कर रहा हूँ। हेलो चपाती भाई कैसे हो? भाई मैं ना एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। मैं ये वीडियो देख रहा था, एक 50 फेमस इंडियन गेमर्स कार, ठीक है। अब शायद आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। प्लीज मेरे को एक राइड चाहिए चपाती भाई, एक मैं आ जाऊंगा। आप कहाँ रहते हो? UK रहते हो? मैं आ जाऊंगा। करना क्या, ये बता। मेरे को आपकी गाड़ी में राइड चाहिए। हाँ हाँ मर्सिडीज GLB यही है ना? आ जाऊँ सही में? अरे अरे चलो सेट है मामला भाई, सेट भाई। आपसे अच्छा बड़ा भाई नहीं होगा भाई। थैंक यू भाई। भाई आप जब बोलो भाई, मैं तो एकदम तैयार हूँ भाई। मेरे को घूमने का मन करता है, आप बुलाओ मैं आ जाऊंगा। भाई आप मेरी आवाज कर दीजिए। भाई मैंने पूरा पैराग्राफ बोल दिया, ये रिकनेक्टिंग आ गया था भाई। चलो बेस्ट, मैं यही पूछ रहा था मैं कब आ सकता हूँ। मैं आ रहा हूँ बस, मैं सरप्राइज दूंगा। ठीक है, एड्रेस समझा? एड्रेस हाँ लिख देना मेरे को व्हाट्सएप में, मैं रिवील भी कर सकता हूँ ये वीडियो। वही ना इंडिया से जा भी नहीं सकते उधर बच्चे भाई। चलो ठीक है भाई, मैं आता हूँ। भाई चपाती भाई से पूछ लिया मैंने, अब मैं जा रहा हूँ अगले महीने राइड लेने। भाई कोई भी प्लीज मुझे बस दे दो। ज्ञान गेमिंग, ज्ञान गेमिंग के पास 80 लाख रुपए की BMW Z4 है जो कि 2-सीटर कार है, 45 लाख रुपए की ऑडी Q3 भी है, और 17 लाख रुपए की महिंद्रा थार भी है। भाई इतनी सारी गाड़ियों में क्या क्या जाता है मुझे बताओ। एक में टांगे, एक में सर, एक में पीठ। नहीं नहीं भाई, लोगों को शौक होता है, लाइक मेरे को भी है, बट मैं अभी उतना अमीर हो नहीं पाया हूँ कि मैं अपने शौक पूरे कर सकूँ। मेरे को चाहिए सुपर कार। बस तुम लोग दुआ करो एक दिन हो जाऊँ मैं और लेके आऊँ एक अच्छी सी सुपर कार। और हाँ एक और चीज, शायद तुम्हें तो बहुत लोगों को नहीं पता है कि मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल भी है, उस पर ब्लॉग डालता हूँ मैं। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो तुम लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। डायनामो ओके, डायनामो के पास ऑडी A6 है जो 80 लाख रुपए की लग्जरी सेडान है। यही सेम कार स्काउट के पास भी है, और दोनों गेमर के पास ब्लैक कलर में है इनकी ऑडी। नाइस भाई, ऑडी भी ठीक लगती है यार मेरे को, बट देखो महंगी तो है 80 लाख। अब बात करते हैं स्काउट मावी, AS गेमिंग, लोकेश गेमर, टेक्नो गेमर्स और जोनाथन गेमिंग की कारों के बारे में। इन सभी के पास मस्टैंग GT है जिसकी प्राइस है 75 लाख रुपए। टेक्नो गेमर्स के इंस्टा स्टोरी पर कई बार देखा गया है मस्टैंग चलाते हुए, शायद और किसी की भी हो सकती है। वेट वेट वेट, उज्जवल भाई बस मस्टैंग GT है भाई? उन्होंने पता है मोस्टली रिवील नहीं किया है, लेकिन मैंने तो देखी नहीं, और वो बताते भी नहीं है कि उनके पास कौन सी गाड़ी है। ठीक है भाई, अकेले अकेले घूम रहे हैं। बाकी AS गेमिंग के पास फॉर्च्यूनर और थार भी है। लोकेश गेमर के पास BMW i8 भी थी, और जोनाथन के पास BMW भी है, और मावी के पास स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर है। भाई रुक जाओ भाई, इतनी सारी गाड़ियां लोग खरीद रहे हैं। पर हमें जोनाथन की मस्टिंग देखिए भाई, क्या लगती है सेक्सी एकदम मस्त। नंबर 11 पर है लाइव इंसान, ट्रिगर्ड इंसान के पास जैगवार FPS है जो जैगवार की पावरफुल SUV है जिसकी प्राइस है 80 लाख। जैगवार FPS ये गाड़ी 80 लाख की आती है। ये तो मैं देखी थी, आई गेस ब्लॉग में ही देखी थी, तुम लोगों ने भी देखी होगी। जिसको आप 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भगा सकते हो। नंबर 10 पर है कैस्ट्रो गेमिंग, ये एक साउथ इंडियन गेमर है जिनकी नई कार का नाम है BMW i4 जो की 80 लाख रुपए की कार है, जो 190 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकती है, और इनके पास मर्सिडीज E-क्लास भी है। भाई वेट, कैस्ट्रो गेमिंग मैं सुना नहीं यार, रुकना मेरे को देखना एक बार। कैस्ट्रो, ओके ये है चैनल। इस बंदे का BMW i4 है, मेरे पास ही कुछ नहीं है। नंबर 9 पर है 420 OP गेमिंग के पास पोर्शे मकैन है जिसकी प्राइस है 90 लाख रुपए। पोर्शे मकैन ऋतिक रोशन के कलेक्शन में भी है। नंबर 8 पर है क्रोनटेन गेमिंग, इनके पास ऑडी Q7 है। ऑडी Q7 90 लाख रुपए की है, साथ ही साथ BMW और मिनी कूपर भी है इनके कलेक्शन में।
नंबर 7 पर है इंडियन बैकपैकर। इनका गेमिंग चैनल एजे गेमिंग के नाम से है। इनके पास BMW X7 है जो 1,26,00,000 भाई कैसे X7 एजे गेमिंग भाई के पास थी पहले, उन्होंने शायद बेच दी है। भाई ये सारी गाड़ियां देख के मैं वो गरीब फील हो रहा है, बट फिर वीडियो देखनी है, चलो देखते हैं। नंबर 6 पर है रुशेंद्र सिन्हा। इनके पास Porsche 718 Boxster है जिसकी कीमत 1,36,00,000 रुपए है। बारिश के दिनों में इनकी Porsche का सनरूफ खुल गया था, फिर ये कार अपने आप ही चलकर ठुक गई। फिर Porsche ने इनको 718 Boxster गिफ्ट कर दी। What? खुद से चल के ठुक गई। भाई ये सुपर कार है, ज्यादा ही सुपर हो रही है, बता रहा हूँ। पर आई गेस ये भाई व्लॉग करते हैं तो आई गेस सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा, तो उन्होंने ऐसा प्रूफ कर दिया होगा कि ये खुद से ठुकी है। तो इनको Porsche वालों ने गिफ्ट कर दी भाई, ये तो काफी अच्छे जेस्चर है। लेकिन अपनी गलती को माना उन लोगों ने, गिफ्ट करी। नंबर 5 पर है 8-bit तक। थगवा के पास Porsche 911 है जिसकी कीमत 2,00,00,000 रुपए है। येलो कलर में है इनके पास। इनकी वॉचेस और इनके सारे शूज को मिलाकर कीमत लाख में नहीं बल्कि करोड़ों में जाती है। नंबर 4 पर है अंशु बिस्ट। गेमर फ्लिट ने हाल ही में Porsche 911 करीरा एस खरीदी है जो इनकी ड्रीम कार थी जिसकी कीमत है 2,00,00,000 रुपए। भाई मेरे को ये चलानी है प्लीज। फ्लिट भाई अगर आप देख लो, मैं आ रहा हूँ हल्द्वानी, ठीक है? रोकूंगा नहीं यार, थोड़ी सी बस ऐसा स्टीयरिंग ऐसे घुमा लूंगा। रेड कलर में खरीदी है इन्होंने। नंबर 3 पर है मदन ओपी। मदन ओपी के पास ओडी R8 है जिसकी कीमत है 2,72,00,000 रुपए। What? 2,72,00,000? Are you serious? रुको भाई, मुझे ये मदन देखना है। मदन कौन है भाई? मदन, ये मदन, इस मदन की बात हो रही है भाई? तो एक्टिव भी नहीं है अपने चैनल पे, शायद कुछ और करता होगा भाई। नाइस यार, मेरे को लगता था इतने पैसे तो होते ही नहीं है, लोग गाड़ियां खरीद रहे इतने पैसे से। नंबर 2 पर है VLT Sentinel। अन्ना के पास Ferrari 812 सुपर फास्ट है जो 5,20,00,000 रुपए की कार है। 5,20,00,000 ठीक है, तुमने कभी इतने पैसे? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं देखे भाई। Ferrari 812 सुपर फास्ट, तुमको भाई ये गाड़ी में को देख रहे भाई, तुम देखो ये गाड़ी, क्या सेक्सी गाड़ी है भाई ये। इसके लिए मैं अपनी रूह बेचने को तैयार हूँ, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरी किडनियां सब ले जाओ भाई ये। नंबर 2 पर है VLT Sentinel। अन्ना के पास Ferrari 812 सुपर फास्ट है जो 5,20,00,000 रुपए की कार है। 1,42,00,000 रुपए की ऑडी Q8 BMW M2 है जो 1,40,00,000 रुपए की कार है, इन्होंने मॉडिफाई भी करवाई है, और BMW की X5 भी है इनके पास। और शायद ये भाई गाड़ियों का शोरूम है, सीधा बोलो। नहीं नहीं, आई गेस ये वाले जो भाई हैं, ये मेन यूट्यूबर नहीं है, गेमर यूट्यूबर नहीं है, मेन इनका कुछ बिजनेस वगैरह है, उससे इन्होंने ये सब खरीदा है। जो ऐसा यूट्यूबर्स हैं वो बुरा फील ना करें, कुछ बड़ा बिजनेस करें जिंदगी में। नंबर 1 पर है KG डाकू। KG डाकू के पास रोल्स रॉयस गोस्ट है जिसकी कीमत है 8,00,00,000 रुपए। साथ ही साथ रेंज रोवर भी इनके पास, और इंडिया के टॉप 10 कार कलेक्टर्स का कार कलेक्शन भी देख सकते हो भाई। रोल्स रॉयस KG डाकू प्लीज मुझे सर्च कर, 2,04,000 सब्सक्राइबर है, ठीक है भाई? मैं बता रहा हूँ, बिजनेसमैन यूट्यूब से तो नहीं खरीदी भाई, मैं नहीं मान सकता, बट फिर भी भाई रोल्स रॉयस है, मैं सही तो बोल रहा हूँ? रोल्स रॉयस है ना, यही होता है भाई। देखो मेहनत तो लगती है इतना पैसा कमाने में कि तुम सुपर कार गाड़ियां ये सब खरीद सको। जितने भी तुम लोगों ने यहाँ पे गेमर्स देखे हैं, इन सब ने मेहनत करी है लाइफ। लेकिन लोगों को बाहर से लगता है गेम ही खेल रहे हैं बस। लाइक वो एक स्टेज पे जाके ट्रू हो भी सकता है, बट नहीं, स्टार्टिंग में वो सारी चीजें फेस करना, लाइक तुम अपनी फैमिली सोसाइटी सबके अगेंस्ट जाके गेमिंग करनी पड़ती है, और बिलीव रखना पड़ता है कि आगे जाके तुम्हारा कुछ होगा। और हाँ, जोक्स अपार्ट, कांग्रेचुलेशन सभी को जिनके पास ये गाड़ियां हैं। आई होप एक दिन मेरे पास भी होगी, बट अभी बारी है मेन चीज की। लाइक मैंने सबकी कार तो देखी, मेरे पास कौन सी गाड़ी? तो मैंने आज से 2 साल पहले एक गाड़ी ली थी, वो भी इसलिए ली थी बिकॉज मेरे घर में कोई गाड़ी नहीं थी, एंड मैं नहीं चाहता था मेरी मम्मी मेरे पापा कहीं जाएं तो सब बाइक पे जाएं, मेरे को नहीं अच्छा लगता था यार। तो जस्ट उस पर्पस के लिए मैंने एक गाड़ी ली, एंड वो इंस्टा पे ऑलरेडी रिवील की हुई है मैंने, इंस्टा का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पे जाके देख सकते हो। और मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ, मेरे पास नेक्सॉन है टॉप मॉडल, और वो आई गेस 13-14 लाख की आई थी उस टाइम पे। और जो तुम लोग अगर मेरे व्लॉग भी देखते हो तुम लोगों को पता होगा, अब ये वाली गाड़ी है मेरे पास ग्रे कलर में। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो देख के मजा आया होगा, क्योंकि मेरे को मजा आया भाई। मेरे को बेस्ट लगी वो Ferrari 812 भाई, देखो तुम इसको एक बारी, मैं इसको देखते हुए वीडियो का एंड करना चाहूंगा। आई गेस आज की वीडियो के लिए काफी ज्यादा हो चुका है, तो इसी के साथ मैं तुम्हें मिलूंगा आगे और भी शानदार वीडियोस में। टिल देन बाय।